माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द नाइन्थ लेक्चर फ्रॉम सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट ब्रॉट टू यू बाय रिएक्शन ट्यूब बाय संघमित्रा चक्रवर्ती। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिटेल में पैकिंग पढ़ाई थी। व्हाट इज पैकिंग? पैकिंग का मतलब होता है यूनिट सेल में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर पाते हैं। तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है टू मेक अ पैकिंग मोस्ट एफिशिएंट। पहला, ऑक्यूपेंसी मैक्सिमम होनी चाहिए, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए और डेंसिटी भी मैक्सिमम। अब इनका पैकिंग कैसे होता है? वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशन इज जस्ट प्लेसिंग द कॉन्स्टेंट पार्टिकल इन अ सिंगल रो। टू डायमेंशनल दो तरीके हो सकता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, फर्स्ट रो जैसा है वैसा ही अलाइनमेंट के साथ बैक टू बैक रोज को आप बिछाते जाइए। इस तरीके से आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल जाएगा। इसको कहते हैं टू डायमेंशनल पैकिंग। इसमें किसी भी सेंटर एटम को कंसिडर कीजिए और उसके टचिंग नेवर्स को काउंट कीजिए तो आपको मिलेगा 4। अब यही लेयर अगर बेस लेयर है और ऐसे ही लेयर का हमने स्टैक बनाया तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। वहाँ पे अगर हमने कोई यूनिट सेल को कटआउट किया तो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्रिमिटिव। अगर आपको यूनिट सेल में कोई डाउट है तो इसके बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। तो प्रीवियस लेक्चर के लिए आई बटन को क्लिक कीजिए, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पर भी फर्स्ट रो जैसे हम 1D में बिछाते थे वैसे बिछाएंगे, लेकिन सेकेंड रो 1D के जैसा ही सेम ऑरिएंटेशन का नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ दैट इट विल प्लेस्ड ऑन द रीजेस ऑफ द फर्स्ट रो, ओके, एंड द थर्ड रो विल बी प्लेस्ड ऑन द रीजेस ऑफ द सेकेंड रो। इस तरीके से सारे अल्टरनेटिव रो का ऑरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये भी कह सकते हैं कि सारे ऑड नंबर, जैसे फर्स्ट और थर्ड देखिए सेम है, सेकेंड और फोर्थ सेम है, सारे ऑड नंबर के रोज एक जैसे होंगे और सारे इवन नंबर रोज के ऑरिएंटेशन सेम होंगे। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम काउंट करें तो हमें मिलेगा 6। कोई भी सेंट्रल एटम को 6 एटम टच कर रहे हैं। और इसका भी अगर हमने बेस लेयर को स्टैक किया बैक टू बैक तो हमें 3D स्ट्रक्चर मिलेगा। और उस 3D स्ट्रक्चर में जो यूनिट सेल होगा वो कैसा होगा? FCC, फेस सेंटर्ड होगा। चलिए, ये हो गया हमारा क्विक एंड शॉर्ट रिव्यू। आगे आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वॉइड्स। वो भी किसमें? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा पहला 1D स्ट्रक्चर। और क्योंकि हम हेक्सागोनल पढ़ रहे हैं तो ए टाइप, पहला लेयर क्या कहलाता है? ए टाइप। दूसरा लेयर कैसा होगा? रिजेस के ऊपर, ए के रिजेस के ऊपर, इस तरीके से ए बी और ई। अब आता है यहाँ पे वॉइड्स किसे कहते हैं। ये देखिए, एटम्स को जब हम अरेंज कर रहे हैं कुछ स्पेस मेरी क्या हो रह रही है? अनयूज्ड, जिसे हम एटम्स को पैक करने में यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसी अनयूज्ड स्पेस को हम क्या कहते हैं? वॉइड्स। तो हम इसके ऊपर अब क्या करेंगे? सेकेंड लेयर, यानी कि ये वाली लेयर क्या हो गई मेरी? बॉटम या फिर बेस लेयर। अब बेस लेयर के ऊपर हम जब सेकेंड लेयर डालेंगे, हमारा टारगेट होगा कि हम वॉइड्स को कवर अप करें। तो देखते हैं कितने वॉइड्स कवर अप होते हैं। सारे तो कवर अप नहीं हो पाए, एक वॉइड अनकवर्ड रह गया। ऑन दैट बेसिस वॉइड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो वॉइड्स कवर अप हो गए उन्हें कहेंगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और जो वॉइड्स कवर अप नहीं हो पाए उन्हें कहेंगे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब हम वॉइड्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। पहला हम समझते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वॉइड्स तो अनयूज्ड स्पेस है, हम समझ गए, पर उसका नाम टेट्राहेड्रल क्यों है? उसके लिए ये देखिए, पहले हमने फर्स्ट लेयर बिछाई, फिर उसके बाद हमने सेकेंड लेयर उसके रिजेस पे डाली। इससे हमें क्या मिल गया? एक अनयूज्ड स्पेस। फिर उसको कवर अप करने के लिए हमने लगाई सेकेंड लेयर। अब इसको जो हमने एटम्स को, कॉन्स्टेंट पार्टिकल को जो अरेंज किया, इनको मिनिएचर करके इनका सेंटर टू सेंटर अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है। तो वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? यहाँ देखिए, आई थिंक यू कैन रिकॉग्नाइज इट। ये स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक 3-डायमेंशनल ट्राइंगल की तरह होता है। और 3-डायमेंशनल ट्राइंगल का नाम क्या होता है? टेट्राहेड्रल। इसलिए इस वॉइड को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सेम टू सेम वॉइड तो हम समझ गए, पर ऑक्टाहेड्रल क्यों? उसके लिए पहले हम ये अरेंजमेंट देखते हैं। ये बन गया मेरा हेक्सागोनल। पहले हम इसके वॉइड्स को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, फिर भी एक वॉइड अनकवर्ड रह जाता है। तो
इसको भी हम शॉर्ट करके इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, इसका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। तो इसका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक कुछ ऐसा बनता है जिसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। इसलिए इस वर्ड को हम क्या नाम देते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ये हो गए मेरे दोनों वर्ड्स। अब जब हम सेकेंड लेयर बिछा रहे हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर अप करने के लिए, किस में, HCP में, तो यहाँ पे हमें ये पता होना जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितने हो रहे हैं, क्योंकि अब हमारा सिर्फ एक लेयर नहीं हो रहा है, लेयर के ऊपर लेयर बिछ रहा है। तो कोई भी अगर हम सेंट्रल एटम को कंसिडर करते हैं तो वो सेंट्रल एटम कितने एटम को टच कर रहा है, तो वो अब हमें कैलकुलेट करना सीखना है इन HCP। तो ये हो गया हमारा बेस लेयर या फिर एनी वन लेयर, और उसको कवर अप कर रहा है जो लेयर, ये उसके ऊपर का लेयर है। तो ये किसको कवर अप कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल, और ये बीच वाला जो अनकवर्ड ऑक्टाहेड्रल। तो अभी हमारा टारगेट है मल्टीपल लेयर्स बिछाना, लेकिन सिर्फ कवर अप करेंगे हम टेट्राहेड्रल वर्ड को। तो अज्यूमिंग ये एक लेयर है, यहाँ पे देखिए बीच वाला एटम या फिर कॉन्स्टेंट पार्टिकल कितने को टच कर रहा है, 6। इसको मान लेते हैं हम मिडिल लेयर, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट इसको हम मान लेते हैं मिडिल लेयर। अब इसके जो भी वॉइड्स हैं उसको ऊपर से हमने कवर अप करने की कोशिश की, तो ये क्या हो गए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये तीनों एटम्स या फिर कॉन्स्टेंट पार्टिकल इसको तो टच कर रहे हैं, मिडिल लेयर में कितने टच हो रहे थे सेंटर को, 6। और ये वाला कौन सा है, टॉप लेयर, टॉप लेयर में कितने टच हो रहे हैं, 3। अब एक बॉटम में एक और एक लेयर डालते हैं जिससे कि हमारे बाकी के टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी कवर अप हो जाए। तो कितने हो रहे हो गए, और 3 हो गए। ये हो गया मेरा बॉटम का लेयर। बॉटम लेयर में सेंट्रल एटम को, ये जो सेंट्रल एटम है इसको कितने रेड वाले सर्कल टच कर रहे हैं, 3। इस सर ये मेरा कॉन्स्टेंट पार्टिकल को कितने वाइट वाले टच कर रहे हैं, 3। और इस बॉल को कितने ग्रे बॉल टच कर रहे हैं, 6। दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर HCP में, जहाँ पे हम किसको कवर अप कर रहे हैं, सिर्फ टेट्राहेड्रल वर्ड्स को, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12। वेरी इम्पॉर्टेंट, इट्स रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर से समझिए, ये रहा मेरा बिटवीन मिडिल लेयर, ये मेरा टारगेटेड एटम है 6, इसके 3 टेट्राहेड्रल को ऊपर वाले ने कवर अप कर दिया, 3 टेट्राहेड्रल को नीचे वाले ने कवर अप कर दिया, टेट्राहेड्रल सारे कवर्ड अप हो गए। तो टच कितने कर रहे हैं, यहाँ पे 6, ऊपर 3, नीचे 3, यानी 12। लेकिन जो वॉइड अभी भी रह गया जिसको हमने कवर अप नहीं किया, वो कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। HCP में सिर्फ टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ही हम कवर अप करते हैं। नेक्स्ट, लेकिन अगर हमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को भी कवर अप करना पड़ा अलॉन्ग विथ टेट्राहेड्रल, तो मेरा पैकिंग क्या कहलाता है, CCP। CCP में क्या होता है, पहला हमने ये वाला मिडिल लेयर देखिए, नीचे वाले ने टेट्राहेड्रल कवर किया, ऊपर वाले ने टेट्राहेड्रल कवर किया, फिर भी जो बीच वाली पोजीशन बच रही थी जिसे हम ऑक्टाहेड्रल कह रहे थे इन HCP, उसको कवर अप करने के लिए एक और लेयर हमें लेना पड़ रहा है। इस तरीके से हमें 3 लेयर हो जा रहे, A, B, C। और देखिए फिर रिपीट हो रहा है, A, ये जो ए लेयर क्या कर रहा है, बी का टेट्राहेड्रल कवर अप कर रहा है। ए लेयर इज कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रोड्यूस्ड इन द बी लेयर, एंड सी लेयर इज कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस 2 लेयर, एंड अगेन ए लेयर इज कमिंग। इस तरीके से 3 लेयर हमें चाहिए। पहला लेयर क्या था हमारा, 2 डायमेंशनल हेक्सागोलन। दूसरा, उस पर जब हमने लेयर बिछाया टू कवर अप टेट्राहेड्रल, और वही पैटर्न करते हुए जब हमने उसका स्टैक खड़ा किया तो वो कहलाया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल के साथ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी क्लोज अप करना चाहते हैं, कवर अप करना चाहते हैं, तो हमें एक नया ओरिएंटेशन का लेयर बिछाना पड़ेगा। इस तरीके से CCP में टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैसा हो जाता है, A, B, C, फिर रिपीट होगा A, B, C। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में ही क्या होगा, 12। This is very important for CBSE as well as for your NEET and IIT. अगर ये content आपको अच्छा लग रहा है and it is, you feel it is a worthwhile, then please like it, subscribe it and bell button को ज़रूर hit कीजिएगा, क्योंकि videos बनाने में बहुत मेहनत होती है, आपका appreciation, आपका help, आपका जो like होता है वो बहुत motivate करता है ताकि हम आगे ऐसे videos और बनाते रहें।
चलिए, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर एचसीपी और सीसीपी दोनों में क्या होगा, 12। ये रहा मिडिल, 6 ऊपर 3 नीचे 3। देखिए ए के जैसा ही ऊपर वाला नीचे वाला भी सेम ओरिएंटेशन पे है, इसलिए यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है, ए बी टाइप, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल को कवर अप कर रहे हैं। सीसीपी में क्या हो गया, ये वाला मिडिल लेयर जो कि 6 के 6 सराउंडिंग नेबरिंग एटम से टच कर रहा है, नीचे वाला एक लेयर जो कि टेट्राहेड्रल को कवर अप कर रहा है, ऊपर वाला क्या कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल को कवर अप कर रहा है। इस तरीके से तीनों लेयर के ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गए, लेकिन सेंट्रल एटम को 12th टोटल एटम ही टच कर रहे हैं, सिर्फ इनके टाइप ऑफ अरेंजमेंट में डिफरेंस है। एससीपी इज कवरिंग ओनली टेट्राहेड्रल, सीसीपी इज कवरिंग ओनली टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, बोथ दोनों वर्ड्स को कवर अप कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं, हमने वॉइड्स के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन इसको कैलकुलेशन कैसे करें, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में कितने वॉइड्स होते हैं, तो इसके लिए भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए, कोई ट्रिक्स, कोई कैलकुलेशन। तो ये रहा उसका फॉर्मूला। मान लीजिए आपका क्रिस्टल लैटिस जो बन रहा है वो एन नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल से बन रहा है, उन कॉन्स्टेंट पार्टिकल को हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, स्फीयर्स। तो वहाँ पे अगर एन नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं तो उस क्रिस्टल लैटिस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, एन, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 2n, और टोटल वॉइड्स कितने होंगे, 3n। एक फॉर एग्जांपल, अगर एक क्रिस्टल लैटिस वो बन रहा है 0.5 मोल्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल से, तो वहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 0.5 मोल्स, मोल्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर। और अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलें, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे, 2 × 0.5 × n। सो ये एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा। सो बेस्ड ऑन दिस अभी हम क्या करते हैं, दो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, दो एलिमेंट से बन रहा है, एलिमेंट एक्स एंड वाई, एटम ऑफ द एलिमेंट्स वाई जो कि एनायन है। चलिए यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, एनायन वाले से ही हमेशा क्रिस्टल बनता है, ठीक है, यानी ये लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करते हैं। तो मेरा क्रिस्टल किस टाइप का बन रहा है, सीसीपी टाइप का बन रहा है। उसमें से जो एक्स एलिमेंट है जो कि कैटायन है, वाई क्या है मेरा, एनायन, जो कि क्रिस्टल बना रहा है कैसा, सीसीपी टाइप का, और जो दूसरा एलिमेंट है एक्स वो है कैटायन, ये सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो बताइए कंपाउंड का क्या फॉर्मूला होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए एटम वाई, एटम वाई एनायन है, वो किस टाइप का क्रिस्टल लैटिस बना रहा है, सीसीपी टाइप का, और नंबर ऑफ एटम वाई इन सीसीपी कितने हैं, सपोज कर लेते हैं एन है, राइट। अगर सीसीपी में एन नंबर ऑफ वाई एटम्स हैं तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, देखिए अभी अभी बताया, जितने स्फीयर से क्रिस्टल लैटिस बनता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने हैं, एन है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, एक्स, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एक्स इन सीसीपी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, फिर दोनों का रेशियो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेशियो अगर हम लिखे, रेशियो ऑफ एक्स इज टू वाई क्या होगा, एन इज टू एन, या फिर 1:1, तो फिर फॉर्मूला मेरा कंपाउंड का क्या होगा, एक्स वन वाई वन, या फिर एक्स वाई, दिस इज द आंसर, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। चलिए एक और सॉल्व करते हैं। एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म एच सी पी लैटिस एंड दोस एलिमेंट ए ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर्म बाय द एलिमेंट ए एंड बी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एटम बी क्या बना रहा है, एटम्स ऑफ बी इन एच सी पी लैटिस, मान लेते हैं कितना, एन, ठीक है, एटम्स ऑफ बी इन एच सी पी जो लैटिस बन रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इज एन,
तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जितने लैटिस बनाने के कांस्टेंट पार्टिकल से उतने ही, और टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, डबल, 2n। फाइन, यहाँ पे आ गए मेरे 2n। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, तो नंबर ऑफ ए एटम्स ने क्या ऑक्यूपाई किया हुआ है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हैं, 2n, और कितने ऑक्यूपाई किए हैं, 2/3, यानी कि ए एटम का नंबर कितना है, 4n/3। अब रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ A's टू B क्या होगा, B मेरा कितना है, n, और A कितना है, 4n/3:n। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 4/3:1, या फिर 4,3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A पे 4 और B पे 3। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको डाउट है तो आई नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइए, वहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर के सारे लिंक मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब बाय शंगो मित्र चक्रवर्ती। थैंक यू।